वक्त की बड़ी खबर। संजय सेठ के खिलाफ कौन, संजय सेठ के खिलाफ कौन, ये सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब अब लगता है धीरे धीरे साफ हो जाएगा। संजय सेठ के खिलाफ वही जो संजय सेठ के साथ थे पिछले कुछ घंटे पहले तक, वही राम टहल चौधरी जो 5 बार के सांसद रह चुके हैं अब कांग्रेस के साथ हैं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर टीवी 45 की खबर पर मुहर लगी है। हमने कहा था कि 28 और 29 मार्च का दिन होगा दल बदल का दिन, और इस दल बदल के बयार में एक बवंडर आया है। बवंडर है बीजेपी के लिए राम टहल चौधरी, जिनकी पैठ थी बीजेपी में, जो 5 बार से सांसद रह चुके थे, अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। कैसे देखा जाए इसे राजनीतिक परिदृश्य से? रुको जरा, सबर करो, सबको मौका मिलेगा। हमने तो पहले ही कहा था 28 और 29 तारीख ये दो दिन जो हैं, ये दल बदल दिवस के रूप में घोषित होने चाहिए। देखिए, अब समझिए इसको आयुष, राम टहल चौधरी कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन अभी भी इसको कंफर्म मत मानिए कि रांची से राम टहल चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। सुबोध कांत सहाय अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। राम टहल चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं। राम टहल चौधरी का ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा दबदबा है, लेकिन राम टहल चौधरी सिंबल कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूं। राम टहल चौधरी बीजेपी के टिकट पर जब भी लड़े, चुनाव लड़े, पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, और निर्दलीय लड़े थे तो जमानत जब्त हो गई थी। राम टहल चौधरी के हक में ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, 5 टर्म के सांसद हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत क्रांतिकारी चीज नहीं है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। और ग्रामीण इलाकों में तो ठीक है, उनकी पहुंच है, पहुंच इसलिए है क्योंकि माफ कीजिए, जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय का वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन वो वोटर बीजेपी का वोटर है, वो इंडिविजुअली राम टहल चौधरी का वोटर नहीं है। सुबोध कांत सहाय ने 3 बार सांसद रहते हुए बहुत काम किए। जब वो पर्यटन मंत्री थे, ग्रामीण इलाकों में मंदिरों का, मस्जिदों का, इसका जीर्णोद्धार किया उन्होंने, और वो आज भी देखा जा सकता है। सुबोध कांत सहाय की राजनीति जो है वो एचईसी से शुरू हुई, केंद्रीय मंत्री तक गई, सांसद तक गई। हाँ, अगर कांग्रेस रिस्क लेना चाहती है तो वो अलग चीज है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि टिकट राम टहल चौधरी का इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगा, अभी इसमें जद्दोजहद बाकी है। सुबोध कांत सहाय भी दिल्ली दरबार में मौजूद हैं, और सुबोध कांत सहाय की दावेदारी इतनी कमजोर नहीं है, तो अभी इसमें खेल बाकी। आयुष, मैं कह रहा हूं आपको, अभी बहुत लोग कहेंगे कि ना ना आप कंफर्म हो गए राम टहल चौधरी का, लेकिन अभी इसमें खेल बाकी है, खेल बाकी है, खेल बाकी है, मेरी बात को मानना होगा। आयुष जी बिल्कुल, अभिषेक आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए वहां चलते हैं। दोनों बातें, लेकिन जो जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पति परक्कल प्रभाकर जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उस श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है,
वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐड के नाम पे, महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में शराब, कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी, वो पहला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है। और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए उसको हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपया भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जी वारिस है, जमीन को किसी और का, जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो हमारे पार्टी के लीडर, हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेडिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ,